हेलो टू ऑल ऑफ यू। 3 मार्च को है अमितांशी का मुंडन, जिसके लिए आज मैं मॉल जा रही हूँ अमितांशी के लिए शॉपिंग करने। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अमितांशी के लिए क्या क्या लिया, और अमितांशी तो बहुत एक्साइटेड है मॉल जाने के लिए, हमेशा होती है। तो अब मैं जा रही हूँ अमितांशी को रेडी करने के लिए, हम मॉल के लिए निकलने जा रहे हैं। हाय, हम लोग हो चुके हैं रेडी और हम जा रहे हैं मॉल। मेरा भाई शीज अमितांशी, अमितांशी बॉटल रखो। हम मॉल की तरफ, मम्मा पानी लेके जा रही है। रोती है कि मम्मा मुझे बॉटल चाहिए, क्योंकि वो अपनी बॉटल लेके ही कहीं जाती है। और बहुत मुश्किल से हम उसको समझाते हैं कि हमने दूसरी बॉटल रख ली है, पर फिर भी वो 2 मिनट तक तो रोती ही रहती है कि मुझे बॉटल चाहिए। फिर लिफ्ट में अमितांशी की नोजी आ जाती है और अमितांशी बोलती है मम्मा नोजी आई है, और माय गॉड नीचे जाती है तो अमितांशी पागल हो जाती है। हम कहीं भी जा रहे हैं वो सबसे पहले भाग के झूले के पास जाएगी, बट अनीश बहुत मुश्किल से उसको वहां से खींच के लेके आता है। और हम जाते हैं मॉल, निकलते हैं मॉल के लिए। ये अमितांशी को अनीश लेके आ गया। चलो अमितांशी, मम्मा को देखो, मम्मा को देखो, चलो लेट्स गो। मॉल हमारे घर से मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं, तो हमने यहाँ से ऑटो लिया और हम निकल गए मॉल के लिए। धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी स्टार्ट हो गई है। आज संडे था तो आज काफ़ी ट्रैफिक मिला हमें, सारे लोग घूमने जा रहे हैं। और हम पहुंचने वाले हैं मॉल। यानी क्यों पैसे का बहुत ज़्यादा था संडे की वजह से। और ये ऑन द वे अमितांशी, क्या है अमितांशी यहाँ बोलती है मम्मा पिज्ज़ा पिज्ज़ा खाना है। वो कहीं भी पिज्ज़ा की फ़ोटो देखी है तो बोलती है मम्मा पिज्ज़ा खाना है। यहाँ हम गौर मॉल पहुँच गए हैं, ये मेरे घर से 10 मिनट दूर है। अमितांशी क्या कर रही हो? गौर मॉल ही जाते हैं। यहाँ भी अमितांशी ने बदमाशी शुरू कर दी, उसे बैलून चाहिए था, कुछ चाहिए था, वो रोना शुरू कर दिया उसने। बहुत मुश्किल से हमने इसका हाथ पकड़ा और ऊपर लेके गए। और अंदर हम लोगों ने अपने बैग को अंदर डाल के चेक कराया था, बट अमितांशी ने नहीं कराया था, तो उससे बहुत प्रॉब्लम हुई थी कि मेरा बैग क्यों चेक नहीं हुआ। तो मैंने मैम को बैग दिया कि आप प्लीज एक बार इसका बैग मशीन में डाल दो। अमितांशी आ गया बैग, अमितांशी का बैग आ गया। ये आप चले अंदर, ठीक है आप भी जाके वो खुश हुई। उसके बाद हम मॉल में अमितांशी बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पे ट्रेंड का है। मुझे अमितांशी के कपड़े मैं वहीं से लूंगी, मैं इससे पहले आई थी तो मुझे वहाँ पे बच्चों के कपड़े अच्छे लगे, तो मैं ट्रेंड से इसके कपड़े लूंगी। ये है हमारा मॉल। मैं बहुत सोच के जाती हूँ, माइंड सेट करके जाती हूँ कि मुझे सिर्फ अमितांशी के लिए कपड़े लेने हैं, मैं खुद के लिए तो कुछ देखूंगी भी नहीं। उसके बाद अमितांशी खुद ही लाके देती है, खुद ही देखती है, बोलती है मम्मा ये अच्छा है। अच्छा है अमितांशी, ये अच्छा है अमितांशी। सारे कपड़े खुद चेक करती है कौन सा अच्छा है, कौन सा चाहिए अमितांशी को। इतना ज्यादा हो सके यूपीआई के थ्रू पेमेंट करें और 3 गुना लड़के को इसमें आज रिलायंस के साथ। मैंने सोचा तो था कि मैं कुछ नहीं लूंगी, बट मैंने अमितांशी से ज्यादा खुद के लिए शॉपिंग कर ली। वो मैं बाद में दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया है, और मैं अमितांशी के कपड़े भी बाद में दिखाऊंगी मैंने क्या लिया है ट्रेंड से उसके लिए। यहाँ होती है हमारी शॉपिंग ख़त्म और अमितांशी को बस पे बैठना है, और यहाँ एक गार्जियन अलाउ है बस में, तो अमितांशी और अमितांशी के मामा बैठते हैं बस में। अमितांशी बाय बाय, अमितांशी बाय।
देखो दोनों देखो, बाय। बाय अमितांशी, बाय। और फिर वापस आते हुए हमें ई रिक्शा मिल जाती है, वहां से हम ई रिक्शा लेते हैं और अमितांशी को अकेले सीट पे बैठना होता है, उसको आसपास कोई नहीं चाहिए। यहाँ होता है हमारा ब्लॉग खत्म। थैंक यू सो मच।